एलिस स्वीट एलिस एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर है। ये कहानी एलिस स्पेजस नाम की एक 12 साल की शरारती, मतलबी और बदतमीज लड़की की कहानी है, जिसकी हरकतें उसे एक दिन बहुत बड़ी समस्या में डाल देती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कैथरीन स्पेजस एक तलाकशुदा महिला है जो अपनी दो बेटियों के साथ पीटरसन काउंटी में रहती है। बड़ी बेटी का नाम एलिस है जो 12 साल की है और छोटी बेटी कैरेन लगभग 9 साल की है। कैथरीन का हस्बैंड टाउन से बाहर रहता है, उसने दूसरी शादी कर ली है और अब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नहीं रहता है। कैथरीन की दोनों बेटियों के स्वभाव में बड़ा अंतर है। छोटी बेटी कैरेन जितनी सीधी और सभ्य है, वहीं बड़ी बेटी एलिस उतनी ही शरारती और लोगों के लिए किसी परेशानी की पुड़िया से कम नहीं है। वो अपनी छोटी बहन को सताने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती है। कैथरीन का परिवार एक आदर्श कैथोलिक परिवार है। जल्दी ही कैथरीन की छोटी बेटी कैरेन अपना पहला कम्युनियन लेने वाली है। कम्युनियन असल में अपने पापों के पश्चाताप का प्रतीक है। कम्युनियन तब लिया जाता है जब बच्चे इतने समझदार हो जाते हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है और उनके मन में धर्म के विरुद्ध पाप करने का पछतावा हो, जिसके लिए वे सच्चे मन से ईश्वर के सामने अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। अपनी छोटी बेटी कैरेन के पहले कम्युनियन के सिलसिले में कैथरीन फादर टॉम से मिलने जाती है। फादर टॉम एक अच्छा आदमी है, कैथरीन के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। उसे कैथरीन की छोटी बेटी कैरेन का धर्म के प्रति पैशन बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए फादर टॉम उसे उपहार के रूप में एक क्रॉस भेंट करता है जो कभी उसकी माँ का हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ एलिस है, जिसे धर्म से ज्यादा मतलब नहीं है, पर फादर टॉम के द्वारा कैरेन को गिफ्ट देने की वजह से उसे इस बात की जलन होने लगी है। फादर के घर में भी एलिस शरारत का एक मौका नहीं छोड़ती है। फादर के यहाँ काम करने वाली एक महिला मिसेस ट्रेडोनी को एक साइको किलर का रूप बनाकर डराती है। उसकी माँ कैथरीन भी अपनी बड़ी बेटी एलिस की हरकतों से परेशान है। जब भी वो एलिस को उसकी गलतियों के लिए डांटती है, एलिस उसे ये कहकर ब्लैकमेल करती है कि वो केवल कैरेन को ही प्यार करती है। ये एलिस की जांची परखी टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी माँ की डांट से बचने के लिए अक्सर किया करती है। जब वे फादर के यहाँ से अपने घर लौटते हैं, एलिस अपनी बहन का दिन खराब करने के लिए उसकी फेवरेट डॉल चुरा कर छुपा देती है और पास के ही एक खाली अपार्टमेंट में छुप जाती है। जब कैरेन एलिस को ढूंढने उस इमारत में जाती है, तब वहाँ एलिस उसे एक साइको किलर का भेस बनाकर डराती है और एक कमरे में बंद कर देती है, पर बाद में उसे इस शर्त पर छोड़ती है कि इस बारे में वो माँ को कुछ भी नहीं बतलाएगी। अगर कैरेन ऐसा नहीं करेगी तो उसे उसकी डोल कभी नहीं मिलेगी। कैरेन के कम्युनियन से ठीक पहले एलिस अपनी बहन कैरेन की वेल, जिसे वो कम्युनियन के दौरान पहनने वाली है, उससे छीन लेती है। और जब कैरेन अपनी माँ से इसकी शिकायत करती है तो एलिस उसकी वेल जमीन पर ही फेंक कर अपनी माँ से बहस करते हुए घर से निकल जाती है। आज सुबह चर्च में कम्युनियन है, सभी लोग वहाँ मौजूद हैं। कैथरीन अपनी बहन एनी और उसके हस्बैंड जिम के साथ चर्च के अंदर है। जब कम्युनियन शुरू होता है, उन्हें ना तो एलिस कहीं नजर आती है और ना ही कैरेन। कैरेन किसी भी हाल में अपना पहला कम्युनियन मिस नहीं कर सकती है, उसके साथ कुछ तो हुआ है। थोड़ी देर में एलिस चर्च में आती है और कैरेन की वेल पहनकर कम्युनियन में हिस्सा लेती है। तभी चर्च के बरामदे में बने एक कमरे से धुआं आने लगता है। जब एक बूढ़ी नन इसे चेक करने वहां जाती है तो देखती है कि एक बक्से में कैरेन की जलती हुई लाश है। वो चीखती है और देखते देखते वहां पर सभी लोग जमा हो जाते हैं। ऐसा कौन कर सकता है? जो भी होगा वो साक्षात डेविल होगा, एक मासूम की हत्या, वो भी चर्च के अंदर। ऐसा करने के लिए किसी पापी को पाप के रसातल तक गिरना होगा। कैरेन की लाश देखने लायक नहीं है, किसी बेरहम ने उसका गला घोटकर उसे चर्च के एक कमरे में बने बक्से में डाल दिया और जलती हुई मोमबत्ती उस पर फेंक दी। ये हादसा कैथरीन के लिए एक बड़ा सदमा है। कौन ऐसा बेरहम हो सकता है
जो फूल जैसी उसकी बेटी कैरेन को मार सकता है। कैरेन से भला किसकी दुश्मनी हो सकती है? ये जरूर एक साइको ही होगा। कैरेन के फ्यूनरल के समय कैथरीन का एक्स हस्बैंड डोमिनिक भी वहां मौजूद है। कई दिनों बाद आज कैथरीन ने अपने पति को देखा है। वो शहर से फ्यूनरल में हिस्सा लेने आया है। जब वो डोमिनिक को देखती है, उसके सामने उसकी सारी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो उससे लिपट कर फूट फूट कर रोती है। कैरेन के फ्यूनरल के बाद जब पुलिस घटना के डिटेल खंगालती है तो उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कैरेन के गले से वो क्रॉस मिसिंग है जिसे फादर टॉम ने उसे एक दिन पहले उपहार के रूप में दिया था। साथ ही साथ सेरेमनी में शामिल होने के लिए सर पर पहनने वाला उसका वेल भी उसके पास नहीं था। ये वेल उन्हें एलिस के पास मिला था, पर पूछने पर कि ये वेल उसके पास कहां से आया, उसने अपनी माँ को ये बतलाया कि उसे ये चर्च की सीढ़ियों पर मिला था। एक ओल्ड नन ने किसी को पीले रंग की रेनकोट में प्लास्टिक का मास्क पहनकर चर्च के उसी कमरे में घुसते देखा था जहां बाद में कैरेन की लाश मिली थी। ठीक ऐसा ही रेनकोट और प्लास्टिक का मास्क एलिस के पास भी है, जिसका इस्तेमाल वो अक्सर लोगों को डराने के लिए किया करती थी। जाहिर सी बात है कि पुलिस का सीधा शक कैथरीन की बड़ी बेटी एलिस पर ही है, पर चूंकि वो एक जुविनाइल है, पुलिस सीधे उसे पूछताछ नहीं कर सकती है। उन्हें पहले उसके गार्जियन से बात करनी होगी। घर में भी कैथरीन का पति डोमिनिक, कैथरीन की बहन एनी और उसका हस्बैंड जिम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कैरेन की हत्या में एलिस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सारे सबूत उसकी तरफ ही इशारा करते हैं, पर उन्हें ये भी लगता है कि ये सारे फैक्ट्स केवल परिस्थिति पर आधारित हैं। अगर सारे फैक्ट्स परिस्थिति पर आधारित हैं, तो इसका मतलब है कि असली कातिल अब भी बाहर घूम रहा है। दो पुलिस डिटेक्टिव, डिटेक्टिव ब्रेनन और डिटेक्टिव माइक स्पिना इस केस की छानबीन कर रहे हैं। केस के सिलसिले में वे डिस्पेरेटली ये चाहते हैं कि वे एक बार एलिस से बात करें। अगर एलिस कातिल ना भी हो, तब भी वही सबसे आखिरी में चर्च के अंदर आई थी। शायद उसने बाहर किसी को देखा हो। कोई छोटी सी लीड भी डिटेक्टिव्स को इस केस को दिशा देने में बड़ी मदद कर सकती है। एक दिन डोमिनिक डिटेक्टिव ब्रेनन और माइक से मिलने उनके ऑफिस में आता है ताकि कातिल को ढूंढने के काम में हुई तरक्की का जायजा ले सके। पर यहाँ डिटेक्टिव्स का सीधा शक केवल एलिस पर ही है और वे उससे पूछताछ करने के लिए डोमिनिक की इजाजत चाहते हैं। इस बात पर डोमिनिक भड़क जाता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि पुलिस असली कातिल को ढूंढने के बजाय एलिस को ही टारगेट कर रही है। जब डोमिनिक वहां से चला जाता है, तब डिटेक्टिव माइक स्पिना डिटेक्टिव ब्रेनन को बतलाता है कि उसने एलिस के स्कूल के प्रिंसिपल से बात की थी। प्रिंसिपल ने उसे बतलाया है कि एलिस के अगेंस्ट स्कूल में कई कंप्लेंट्स हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि एलिस को किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। अब तो एलिस पर पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है। ऐसे भी उसे अपनी छोटी बहन से ज्यादा लगाव नहीं था, वो उसे केवल परेशान ही किया करती थी। कैरेन की मौत के बाद कैथरीन के घर में उसके साथ उसकी बड़ी बहन एनी भी रहती है। एलिस को एनी का वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो उसे वहां से भेजने के लिए उतारू है। उसे परेशान करने के लिए एलिस एक भी मौका नहीं छोड़ती है। वो किचन के सामान यहाँ वहाँ फेंक देती है और जब एनी उसे डांटती है तो वो अपनी माँ से ये शिकायत करती है कि एनी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, उसे बेवजह पीटती है। जब भी एनी उसे डांटती है, एलिस जोर जोर से चिल्लाती है। असल में वो अपनी माँ को दिखलाना चाहती है कि उसकी बहन एनी उससे कितना नफरत करती है और उसे बेवजह पीटती है। हालांकि एनी भले ही एलिस से नफरत करती हो, उसे पसंद ना करती हो, पर उसने उसे कभी नहीं मारा है। एक दिन कैथरीन अपार्टमेंट के रेंट की रसीद देने के लिए एलिस को किरायेदार अल्फांसो के पास भेजती है। एलिस उसे अक्सर परेशान किया करती थी। इस बार भी जब वो अल्फांसो को रेंट की रसीद देने आती है, उसके मोटापे का मजाक उड़ाती है। काफी देर तक अल्फांसो उसे इग्नोर करता है, पर उसके उकसावे में आकर आखिरकार अल्फांसो उससे कहता है कि वो ज्यादा चालाक ना बने, क्योंकि उसे पता है कि उसने चर्च में क्या किया था। वो तो बस इस इंतजार में है कि कब उसे मौका मिले और वो सारी बात उसके पिता डोमिनिक को बतला सके। वो पुलिस को भी नीचे बने तहखाने में ले जाएगा जहाँ वो अपनी सारी चीजें छुपा कर रखती है। अब एलिस के चेहरे पर थोड़ी सिकन है। अल्फांसो इसका फायदा उठाना चाहता है और एलिस को किस करने की कोशिश करता है, पर एलिस अल्फांसो की बिल्ली का गला दबोचकर
उसे जमीन पर पटक देती है और उसे वार्निंग करते हुए वहां से चली जाती है। इधर एलिस का पिता डोमिनिक अपनी बेटी कैरेन के कातिल को बेसब्री से ढूंढ रहा है। उसे लगता है कि पुलिस असली कातिल पर ध्यान नहीं दे रही है। डोमिनिक अपनी तरफ से खोजबीन शुरू करता है। इसी सिलसिले में वो फादर टॉम से मिलता है, पर फादर टॉम उसे बतलाता है कि घटना के पहले के दिनों में स्कूल के अंदर एलिस का बर्ताव बद से बदतर होता जा रहा था। उसकी परेशान करने वाली हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। वो तो किसी घटना को एक्सीडेंट का रूप देने में माहिर है। उसी दिन शाम को उसी पीली रेनकोट और प्लास्टिक के मास्क के साथ हाथ में चाकू लेकर कोई कैथरीन के अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ता है। तभी कैथरीन के घर से उसकी बहन एनी कहीं जाने के लिए निकलती है। पीले रेनकोट पहना शख्स उस पर हमला कर देता है। ऊपर से देखने पर यह तो साफ है कि ये एक लेडी है, पर मास्क की वजह से यह बतलाना मुश्किल है कि वो असल में कौन है। रेनकोट पहनी लेडी एलिस के पैरों पर ही केवल चाकू मार पाती है, क्योंकि उसकी चीख सुनकर अल्फांसो भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। बाद में कैथरीन भी घर से बाहर आ जाती है। मजबूरन उसे अपना काम अधूरा छोड़कर वहां से भागना पड़ता है। एनी को लगता है कि वो शख्स और कोई नहीं एलिस ही थी। ऐसा भेस बनाकर वही सबको डराया करती थी। एलिस उससे नफरत करती है और घर से भगा देना चाहती है। यही वजह है कि उसने उस पर हमला किया होगा। हालांकि उसने हमलावर का चेहरा नहीं देखा था, उसके चेहरे पर प्लास्टिक का मास्क लगा था, पर एनी को पूरा यकीन है कि वो एलिस ही थी। उसके अलावा और कौन हो सकता है जो उससे नफरत करता हो। हॉस्पिटल में भी एनी अपने पति और डिटेक्टिव के सामने उस पर हमला करने वाले का नाम एलिस ही बतलाती है। इस बात से कैथरीन बहुत नाराज हो जाती है। जिस दिन एनी पर हमला हुआ था, उस दिन एलिस उसी रेनकोट पहने अपार्टमेंट के बेसमेंट में पाई गई थी। उसके पिता ने उसे वहां ढूंढा था, तब वो काफी डरी हुई थी। तब एलिस ने अपने पिता को बतलाया कि उसने अपनी मरी हुई बहन कैरेन को देखा था। एक दफे अल्फांसो ने भी उसे बतलाया था कि उसकी बहन कैरेन अपनी मौत का बदला लेने जरूर आएगी। मुर्दे आसानी से शांत नहीं बैठते हैं। अब पुलिस एलिस को उसके नाबालिग होने की शर्त पर यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट विक्टिम ने गवाही दी है कि उसने एलिस को उस पर हमला करते देखा था। हालांकि अब भी ठोस सबूत नहीं है, इसलिए पुलिस उनके गार्जियन से उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का परमिशन मांगते हैं। टेस्ट के दौरान एलिस ऐसे जवाब देती है कि टेस्ट रिजल्ट की एक्यूरेसी 50% ही रहती है। एक्सपर्ट ने उससे पूछा था कि क्या वो जानती है कि उसकी आंट पर किसने हमला किया था। अगर उसने हमला किया है और जवाब ना में दे तो लाई डिटेक्टर उसका झूठ पकड़ लेगा। एलिस ने ना में जवाब दिया और मशीन ने उसका झूठ पकड़ लिया। पर जब कन्फर्म करने के लिए एक्सपर्ट ने उससे वही सवाल दोबारा पूछा, तब उसने ये जवाब दिया कि हाँ, उसने उसकी बहन कैरेन को उसकी आंट पर हमला करते हुए देखा था। इस बार लाई डिटेक्टर ने उसके जवाब को सही बतलाया, यानी उसने एक ही सवाल के दो अलग अलग जवाब दिए और उसने मशीन को चकमा दे दिया। एक बच्ची कैसे इतनी स्मार्ट हो सकती है? शायद वो सच ही कह रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एलिस स्प्लिट पर्सनालिटी की शिकार हो और उसके द्वारा किया गया काम उसे ऐसा लगता हो कि उसकी बहन कैरेन ने किया है। लाई डिटेक्टर में कोई नतीजा ना निकलने के बाद उसे सरकारी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर पी विट्समैन के पास काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाता है, जो एलिस के कई टेस्ट करने और उसके साथ काफी देर बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि एलिस को हॉस्पिटल में ही उसकी निगरानी में रखा जाए। घर में रहना उसके लिए ठीक नहीं होगा जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए, पर कैथरीन इसका विरोध करती है और कहती है कि वो एलिस का सारा ध्यान रखती है और उसे अच्छे से समझती है। पर डॉक्टर उससे कहती है कि क्या उसे ये बात पता है कि एलिस को पीरियड होना शुरू हो चुका है। ये बात कोई भी लड़की अपनी माँ से कभी नहीं छुपाती है। एलिस अपनी माँ पर भरोसा नहीं करती है, इसलिए उससे बातें छुपाती है। कैथरीन को हैरानी है कि उसने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। वो उससे बातें छुपाती है, ना जाने उसने उससे और कई राज छुपाए होंगे। असल में एलिस अपनी माँ से बात इसलिए छुपाया करती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ कैथरीन केवल कैरेन को प्यार करती है और उससे बढ़कर अपनी छोटी बेटी कैरेन को ही पसंद करती है। एलिस के साथ सच में कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम है, इसलिए उन्हें डॉक्टर विटमैन के सुपरविजन में थोड़े समय के लिए एलिस को हॉस्पिटल में छोड़कर वहां से जाना पड़ेगा।
लेकिन अब भी कैथरीन और डोमिनिक को लगता है कि एलिस निर्दोष है और सब बेवजह उस पर शक कर रहे हैं। वो एक मासूम है। डोमिनिक अपनी क्षमता से कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में वो कई बार फादर टॉम से भी मिलने जाता है और छानबीन की पूरी डिटेल उसे शेयर करता है। डोमिनिक जितनी खोजबीन में आगे बढ़ता है उतना ही परेशान होता चला जाता है। सब केवल एलिस की तरफ ही इशारा करते हैं। एक दिन डोमिनिक को किसी का फोन आता है और वो कहीं चला जाता है। जब कुछ समय तक उसका कुछ अता पता नहीं चलता है तब कैथरीन उसे ढूंढने के लिए फादर टॉम के पास आती है। पर टॉम यहाँ नहीं है, यहाँ मिसेस ट्रेडोनी है जो फादर की देखभाल करती है। वो कैथरीन को पसंद नहीं करती है इसलिए उसे दरवाजे से ही भगा देना चाहती है। पर कैथरीन परेशान है और इंसिस्ट करती है कि वो फादर से मिलकर ही जाएगी। थोड़ी देर बाद फादर टॉम वहां आ जाता है और कैथरीन को एक बुरी खबर देता है। उसके पति डोमिनिक की लाश मिली है, उसकी मौत हो चुकी है। किसी ने उसे एक अबंडेंट चर्च की छत से नीचे फेंक दिया था। ये वही किलर है जिसने केरेन को मारा था, क्योंकि केरेन के गले से छीना गया क्रॉस डोमिनिक के मुंह में पाया गया है। अगर कातिल बाहर घूम रहा है तो इसका मतलब है कि एलिस निर्दोष है। वो बेवजह साइकेट्रिस्ट के यहाँ भर्ती है, इसलिए उसकी माँ कैथरीन उसे साइकेट्रिस्ट के यहाँ से वापस घर ले आती है। लेकिन घर आते ही उसकी शरारतें फिर से शुरू हो जाती है। वो अल्फांसो के कमरे में चुपके से जाती है और एक डब्बे में कॉकरोच भरकर सोते हुए अल्फांसो के ऊपर रख देती है। इसके बाद वो अपनी माँ के साथ चर्च चली जाती है। लेकिन डिटेक्टिव माइक स्पिना का शक अब भी एलिस पर ही है। हो सकता है कि उसके पिता ने एलिस को निर्दोष दिखलाने के लिए चर्च की छत से कूदकर अपनी जान दे दी हो। शायद उसने कैरेन का क्रॉस एलिस के सामानों में ही पाया होगा। तभी कैथरीन के घर से अल्फांसो की चीख सुनाई देती है। वो एलिस को कोस रहा है, उसे गालियां दे रहा है। जब डिटेक्टिव घर की तरफ जाता है तो देखता है कि पीले रंग के कोट में प्लास्टिक का मास्क पहने कोई शख्स अल्फांसो के ऊपर हमला कर रहा है। पर अल्फांसो ने उससे लड़ाई की और मरने से पहले उसके चेहरे से मास्क हटा दिया। डिटेक्टिव माइक स्पिना ने भी उस कातिल का चेहरा देख लिया है। वो अच्छे से जानता है कि उसे कहाँ पकड़ना है। वो फादर टॉम को इसकी जानकारी देता है कि कातिल भागकर चर्च ही जाएगा। थोड़ी देर में डिटेक्टिव पूरी पुलिस फोर्स के साथ चर्च को घेर लेता है। अब सारा भार फादर टॉम के ऊपर है। फादर टॉम को चारा डालना होगा क्योंकि कातिल कम्युनियन का दीवाना है। वो इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता है। चर्च में काफी लोग हैं, ऐसे में पुलिस अंदर नहीं जा सकती है। अगर पुलिस अंदर जाएगी तो कातिल अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी ढाल बना सकता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए केवल फादर टॉम ही उसे पकड़ सकता है, क्योंकि फादर टॉम उसे अच्छे से जानता है। फादर को भरोसा है कि वो उसे कुछ नहीं करेगी। कम्युनियन के दौरान जब उसकी बारी आती है, फादर टॉम उसे कानों में कहता है कि उसका खेल खत्म हो गया है। सबको पता चल चुका है कि कातिल वही है। पुलिस बाहर उसका इंतजार कर रही है। वो चुपचाप उसके साथ बाहर चले। ये साइको किलर मिसेस ट्रेडोनी है जिस पर किसी का शक कभी नहीं गया, लेकिन असल में उसी के पास हत्या के सारे मोटिव्स थे। असल में मिसेस ट्रेडोनी कभी एक नन हुआ करती थी, पर उसे एक सिपाही से प्यार हो गया और उसने नन बनने से पहले ईश्वर की शपथ लेकर किया गया खुद का प्रॉमिस तोड़ दिया। उसने धर्म बहनों को छोड़कर एक आदमी से शादी कर ली। आज से बहुत समय पहले उसकी भी एक बेटी हुआ करती थी। जिस दिन उसकी बेटी का पहला कम्युनियन होने वाला था, उसी दिन एक कार क्रैश में उसकी बेटी और उसका पति दोनों की मौत हो गई। ट्रेडोनी को यह बात समझते देर नहीं लगी कि ईश्वर ने उससे उसके पापों का बदला लिया है। ईश्वर ने उसे उसकी प्रॉमिस तोड़ने की सजा दी है। वो ये बात अच्छे से समझ गई कि माँ बाप के पापों की सजा बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। फादर टॉम भी विधवा कैरेन से बहुत नजदीकी रखने लगा था। ट्रेडोनी को लगता था कि फादर टॉम कैथरीन से प्यार करता है और उसी की तरह वो भी एक दिन कैथरीन के प्यार में ईश्वर से की गई अपनी सारी प्रॉमिस तोड़ देगा और शादी करके खुद को उसकी तरह करप्ट कर लेगा। उसे ये भी लगता था कि कैथरीन के पाप का बदला उसकी बेटी को ही चुकाना पड़ेगा, जैसा कि ईश्वर ने उसकी बेटी को उससे छीन कर उससे उसके पापों का बदला लिया था। उसने कैथरीन की बेटी एलिस को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो खुद एक शैतान थी और उसे मारने पर कैथरीन के पापों का बदला नहीं चुकाया जा सकता था।
उसने कैथरीन की बहन एनी पर भी हमला किया, पर यह महज एक गलती थी। उसे लगा था कि वो कैथरीन है। उसने ही कैथरीन के पति डोमिनिक को भी मारा था, क्योंकि वो छानबीन में फादर को ज्यादा ही इन्वॉल्व कर रहा था। आखिरी में उसने अल्फांसो को मारा, पर इसमें ट्रेडोनी की गलती नहीं थी। अल्फांसो ने एलिस समझकर उसे पकड़ने की कोशिश की थी। जब एनी पर उसने हमला किया था, तब उसे ऐसा करते हुए एलिस ने भी देखा था, पर तब उसे ये लगा कि ये उसकी बहन एलिस का भूत है। इसलिए उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान कहा था कि वो हमलावर को जानती है और वो उसकी बहन केरेन है। आखिर में जब मिसेस ट्रेडोनी की पोल फादर के सामने खुल जाती है, तो वो फादर के गले में चाकू मारकर चर्च में सबके सामने उसकी हत्या कर देती है, क्योंकि उसने उसके पाप की क्षमा के लिए उसे उसका कम्युनियन नहीं दिया, जबकि उसने कैरेन को कम्युनियन लेने दिया। असल में मिसेस ट्रेडोनी का साइकोटिक ब्रेकडाउन हो चुका है। उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं रही। वो धर्म की विधि विधानों में इतनी गहरी उतर गई है कि उसके लिए धर्म के रास्ते में आने वाला हर कोई दुष्ट और पापी है। उसे अपनी करनी पर जरा भी अफसोस नहीं है। उसने तो फादर टॉम को धर्म के रास्ते में बनाए रखने के लिए कैथरीन की बेटी कैरेन को मारा। बाद में उसने डोमिनिक और अल्फांसो की भी हत्या कर दी, और अब तो उसने फादर टॉम को ही मार दिया है। आखिर में पुलिस ट्रेडोनी को पकड़ लेती है, पर ट्रेडोनी की बैग जिसमें उसके हत्या के सामान और मास्क थे, एलिस के हाथ में लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ट्रेडोनी ने अपनी विरासत एलिस को पास कर दी है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।